अब बारी आती है शोल्डर्स की। शोल्डर की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे माइक्रो एक्सरसाइज हैं, ठीक है। आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। आप मुकुल मुद्रा बना के इस तरह शोल्डर के टिप पे रख के ऐसे, और इसको ही करेंगे, ठीक है। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, आगे की तरफ एल्बो को टच करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए पीछे, और शोल्डर को और चेस्ट को एक्सपेंड करो जितना कर सकते हो पीछे की तरफ, ठीक है। ये 3-3 टाइम्स करो, एन एक्सहेल, इनहेल, एन एक्सहेल। अब यहीं से रिवर्स पीछे की तरफ, एन एक्सहेल सामने, इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम, गुड। खुल रहे हैं कुछ शोल्डर, हैं? आपस में एल्बो टच मत करो, लग जाएगी। चलो, इसमें एक दूसरे के गाल का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सपेंड करेंगे इसमें, ठीक है। लंग्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। दोनों हाथ सामने, देखो इसमें क्या होता है, अभी मेरे हाथ नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां से ना अपने शोल्डर को आगे की तरफ खींचो थोड़ा सा ऐसे, ये ठीक है। स्कैपुला जो है ना हमारी, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा बहुत ज्यादा। वापस, एन एक्सहेल, वन मोर टाइम, अच्छे से ब्रीथ, डीप ब्रीथ, चिन अप करना है, फरीदाबाद के शाहरुख खान। चलो देखो, माहौल को ना थोड़ा सा हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि मैं एज एन एक्टर भी काम करता हूं, तो थोड़ा सा वो निकल आती है, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। जगह अगर कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके चेयर पे बैठ के, एंड देन 1, 2, 3। पीछे जाते वक्त हमेशा एक्सहेल करना है, श्वास छोड़ना है, ताकि आपका जो स्टमक है उसमें हवा ना रहे और वो टाइट ना हो, ठीक है, वो अच्छे से स्ट्रेच हो। पूरा लेके जाओ पीछे, गर्दन को भी और हाथों को भी अच्छे से, हाँ, ये वेरी गुड। अच्छा, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो इसके साथ हम एक चीज और कर सकते हैं, एक बार चेयर देंगे आप, देखो बैठे बैठे बैक स्टिफ हो जाती है, तो करना क्या है, ऑपोजिट हैंड से राइट हैंड रेल को पकड़ो, राइट हैंड से पीछे वाली इसको पकड़ो, एंड देन एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, एंड देन घुटने ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, एंड देन फिर ऑपोजिट साइड ये पकड़ा, एंड देन ये, किसी की स्पाइन बैक स्टिफ हो रखी होगी तो चटक जाएगी अच्छे से और खुलेगी, हाँ, समझ रहे हो। चलो आप साइड स्ट्रेचिंग करते हैं, एक हाथ ऊपर, एंड देन एक्सहेल करते हुए साइड में, बैठ के भी कर सकते हो चेयर पे। वापस आएंगे, दूसरा हाथ उठाएंगे, और इस हाथ को उठाने का तरीका है कि आपकी जो बाइसेप्स है वो कान से टच होनी चाहिए, इतना ऊपर जाए और टच ही रहे, ठीक है। और साइड में हाथ इसलिए रखते हैं ताकि वो स्ट्रेच जो आ रहा है ना वो फील हो, वो महसूस हो। दो दो बार और करो इसको, और जिनके लव हैंडल्स निकले होते हैं ना, जिनके पेट से प्यार जिनको बहुत होता है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बस होल्ड करके रखना है, ठीक है। एक दो सेकंड होल्ड किया करो, नीचे जाके एक दो सेकंड होल्ड किया करो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलो नेक्स्ट जो है वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, ठीक है। चेयर पे बैठ के भी सेम है, खड़े होके भी सेम है, और ज्यादा पीछे की तरफ एक्सटेंड मत करना अपने आपको। इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसमें अपनी स्ट्रेचिंग को चेक करो, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग को चेक करो, कितना कौन टच कर सकता है, करो। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए,
आपके घुटने बैंड नहीं होंगे, ध्यान रखना। देखो आप कितने फिट हो, अपने चरण को स्पर्श करो, अपने आप को नमस्कार करो। ज्यादा नहीं क्रैम्प्स आ जाएंगे, मतलब ज्यादा फोर्स मत करो अपने आप को, इजीली जाओ 2 से 3 बार। सर बहुत मेहनत कर रहे हो आप, दिख रहा है, बहुत अच्छा। और रोटेट करेंगे अपनी कमर को, ठीक है, ये चलो शाबाश। घुटने सीधे 5-5 बार। अपनी जो पाम्स है उनको बैक पे रखो, पीछे यहां रखो, पीछे बैक पे, ऐसे बैक पे रखो, अच्छे से करो, चलो शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा एंजॉय करो, आप नहीं कर रहे, वो नहीं करते हुए भी ऐसा लग रहा है कर रहे हैं। अरे वो नहीं करते हुए भी ऐसा लग रहा है कर रहे हैं। सॉरी सर, बुरा मन मानना है। चलो अभी क्या हुआ, हमारी जो अपर बॉडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको और ज्यादा कंप्लीट करने के लिए अपने हाथों को अब स्ट्रेच करेंगे, कैसे, एक हाथ सामने, इसको स्ट्रेच करेंगे अंगूठे के साथ, अंगूठे के साथ बिल्कुल ऐसे, 1 2 3 रिलैक्स, फिर वापस लेके जाएंगे नीचे की तरफ उसी हाथ को, 1 2 एंड 3 रिलैक्स, हैंड चेंज करो, 1 2 एंड 3 रिलैक्स, थोड़ा मसल्स को रिलैक्स दो, एंड देन अगेन 1 2 3 एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, सारी उंगलियां, हाँ ठीक है। इसके बाद इसको मणिबंध बोलते हैं, ठीक है, ये यहां पे जो होता है इसको सामने लेके एंड देन रोटेट करो, 1 2 यहां से शुरुआत होती है, पहली दूसरी यहां से शुरुआत होती है, जिनकी चेयर पे बैठे बैठे ये सर्वाइकल जो हो जाता है या नेक स्टिफ हो जाती है, तो यहां से जो हमारी मसल से कनेक्टेड है सारी, तो शुरुआत होती है यहां से जो स्ट्रेचिंग की, फिर इसके बाद ऐसे करो ये, ठीक है, ये शाबाश, वेरी गुड, रिलैक्स। हुआ कुछ मसल्स में है, हुआ, हाँ रिलैक्स। अपर बॉडी हमारी कंप्लीट, इसके बाद बात आती है लोअर बॉडी की, तो उसमें सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, नी से।